एनसीआर में कई दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था, लेकिन आखिरकार लंबे इंतजार के बाद सावन की पहली बारिश ने राहत की बौछारें ला दी है। पूरे एनसीआर में एक साथ हुई इस बारिश ने गर्मी को काफी हद तक कम कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के अन्य हिस्सों में बुधवार की सुबह से ही बारिश शुरू हो गई। सावन के तीसरे दिन बाद बादल कुछ इस तरह बरसे कि लोगों ने राहत की सांस ली। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना हो गया। इससे पहले भी बादल अलग अलग जगहों पर बरसे थे, लेकिन इस बार पूरे एनसीआर में एक साथ बारिश हुई है। खास बात यह है कि ये नोएडा में सावन की दूसरी बारिश है। बुधवार की सुबह 5:30 बजे शुरू हुई बारिश ने पूरे एनसीआर को 3 घंटे तक भिगो दिया। इस लंबे समय तक हुई बारिश से लोगों ने काफी राहत पाई है। हालांकि इस बारिश ने कई जगह पर जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे सड़कों, सेक्टरों और पार्कों पर भी पानी भरा रहा। इसके बावजूद उमस भरी गर्मी से लोगों को जो राहत मिली है, वह इस जल भराव की परेशानी को कम कर देती है। लगातार हुई इस बारिश के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। कई दिनों से चल रही उमस भरी गर्मी के बाद तापमान में आई गिरावट ने लोगों को राहत दी है। मौसम अब सुहाना हो गया है और लोग इस बारिश का आनंद उठा रहे हैं। इस बारिश ने न केवल तापमान को कम किया है, बल्कि वातावरण को भी ताजगी से भर दिया है। हालांकि इस बारिश ने राहत तो दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ समस्याएं भी लाई है। कई जगह पर जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भरा पानी, पार्कों में जल भराव और सेक्टरों में पानी जमा होने से यातायात प्रभावित हुआ है। लेकिन इन समस्याओं के बावजूद लोग खुश हैं कि आखिरकार बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी एनसीआर में बारिश की संभावना बनी रहेगी। इस बारिश से जहां तापमान में और भी गिरावट आएगी, वहीं उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलती रहेगी। सावन का यह मौसम न केवल ठंडक और ताजगी लेकर आया है, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर दे रहा है। लोकल 18 के लिए नोएडा से सुमित राजपूत की रिपोर्ट।